क्रिकेट बहुत ज़बरदस्त था शुरू में थोड़ा सा एक दो ओवर जो थे वो आ, सीम हो रहा था आ, लेकिन हमारा प्लान यही था कि दो आउट हुए लेकिन हमने काउंटर अटैक करना है। क्योंकि दो सौ रन का टारगेट था तो प्रॉपर खेलने से तो इस तरह नहीं हो पा रहा था तो मैंने और रिजवान ने यही प्लानिंग किया कि हम लोग काउंटर अटैक करेंगे और उसमें हम लकी भी रहें तो इसीलिए सक्सेस भी मिली है प्रेशर तो होता है अगर आपके अर्ली दो आउट हो जाए टॉप ऑर्डर के प्रेशर तो था Uh, लेकिन uh, जिस तरह एज ए टीम हमारा एक uh, प्लान बना है कि हमने अटैकिंग क्रिकेट ही खेलनी है तो वो माइंड में था तो वो आपका प्रेशर रिलीज़ कर देता है और रिजी को क्रेडिट जाता है कि जिस तरीके से वो खेला है क्योंकि शुरू में मेरे उस तरह लग नहीं रहते तो रिजवान बहुत अच्छा खेल है तो उस उसने मेरे लिए भी इजी बनाया टी ट्वेंटी में अगर आप चेस करते हुए सत्तर अस्सी रन करते हैं बिल्कुल अच्छी इनिंग होती है और विकेट वही था कि नए बॉल से थोड़ा सा मुश्किल था मतलब पहले तीन चार ओवर मुश्किल थे उसके बाद बहुत अच्छा बैटिंग पे आ रहा बॉल जो है वो बल्ले पर आ रहा था छः ओवर के बाद विकेट बहुत अच्छा खेल रहा था और बाउंड्री भी इतनी बड़ी नहीं है और मेरे रजवान का भी यही प्लान था कि हमने अठारह ओवर से पहले ये स्कोर चेस करना है और उसी में हमने ट्राई की और वही सक्सेस मिली है सपोर्ट भी बहुत ज़बरदस्त था और हम लोगों को एक वेकअप कॉल चाहिए होता है जिस तरीके से हम पहला मैच हारे थे तो वो सबके माइंड में था और उसी को माइंड में रख के ही हम लोग ये मैच खेले हैं जिस तरीके से आप देख रहे थे कि हर कोई बहुत ज़्यादा फाइट कर रहा था तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आ, जिस तरीके से ये मैच हम खेलें हम आगे पूरे वर्ल्ड कप तक यही मोमेंटम कैरी करें क्राउड ज़बरदस्त था और मेरे ख्याल में आयरलैंड से ज़्यादा पाकिस्तान के सपोर्टर थे क्योंकि हमें झंडे भी पाकिस्तान के ही नज़र आ रहे थे बहुत ज़बरदस्त क्राउड था सपोर्टिंग था इवन अगर वो लोग अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे तो उनको भी सपोर्ट कर रहे थे हमें भी कर रहे थे बहुत मज़ा आया इस क्राउड के सामने खेलते हुए